क्यों दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह चाट के शौकीन हैं और तरह तरह की चाट खाना चाहते हैं और आपका मन कर रहा है कि बनारसी टमाटर चाट आप खा लें, लेकिन आप बनारस जा नहीं पा रहे हैं? तो कोई बात नहीं, हम अपने घर में टमाटर की चाट बना के खा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं तैयारी करने की। तो तैयारी में हमको चाहिए दुल्हन के गालों जैसे लाल लाल टमाटर, ढेर सारे हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू और अदरक। अब टमाटर चाट होती है खट्टी खट्टी, उसको थोड़ा सा मिठास बनाने के लिए हम लोग चाशनी तैयार कर रहे हैं। आधा कप चीनी लिया है, उसमें आधा ही कप मैंने पानी डाला है और एक तार की हमको चाशनी बनानी है। इसको एक तरफ हम बनने के लिए रख देते हैं। और हम दूसरे पैन में घी लेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे घी में ही बनानी है ये चाट। तो घी लेंगे, उसको गरम कर लेंगे और जब हमारा घी गरम हो जाएगा उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरे के तड़कने भड़कने के बाद उसमें हम अपना अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च डालेंगे और इनको भी तड़कने भड़कने देंगे, आपस में लड़ लेने देंगे। जब ये आपस में लड़ लेंगे तो हम इसमें डालेंगे अपनी लाल मिर्च। अब आप देखिए, अगर आपको तीखी तीखी मिर्च खानी है, तीखा तीखा खाना है, तो कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और आपको तीखा कम खाना है तो हम लोग डालेंगे देगी मिर्च। उसमें क्या होता है कि देगी मिर्च से कलर बहुत ही अच्छा लाल लाल आता है और अंग अंग भड़कता तड़कता नहीं है। उसके बाद हम अपने टमाटर डाल देंगे। टमाटर खूब सारे डालने हैं क्योंकि टमाटर की चाट है, तो मेन हीरो तो टमाटर ही हुआ। और टमाटरों में डालना है नमक। नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, अपना नॉर्मल नमक डालना है हमको और उसमें काला नमक भी डालना है। दोनों नमक हिसाब से डालने, ऐसा ना हो कि नमक ही नमक हो जाए। और हमारी चाशनी भी चेक कर लेनी है, ऐसा नहीं है कि पानी उड़ जाए, तो चेक करनी है कि हाँ भाई थोड़ी सी गाढ़ी सी सिरप जैसी हो गई है, तो उसको बंद करके रख देना है। अब इधर देखिए, हमारे टमाटर गए हैं पक, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं। और अपने कोमल कोमल टमाटरों में हमको उबला हुआ आलू डालना है, अच्छे से जो मैश किया गया हो उसको डाल देना है और अच्छी तरह से मिला के भूनते जाना है, भूनते जाना है, इतना भूनना है बिल्कुल जैसे एक औरत की दुख और औरत की तकलीफ़ें घुलती जाती है, गृहस्थी में घुलती जाती है, वैसे ही इसको घोलते जाना, मतलब घोटते जाना है और अच्छी तरह से घोट घोट के भून लेना है। अगर एक औरत में खून की आलू में पानी की कमी हो जाए तो पानी थोड़ा सा डाल देना है, सुखाना नहीं है आलू को और फिर से भूनना है। फिर उसमें डालना है हमको उबले हुए मटर, नॉर्मल ग्रीन मटर नहीं, जो चाट वाले मटर आते हैं येलो वाले। जितना आलू डाला होगा उससे आधे से भी कम डालने हैं ये वाले मटर और आपस में दोनों को मिला देना है ताकि ये हिल मिल जाए, आपस में रच बस जाए। और अच्छी तरह से भून लेने के बाद सबको हमने डाला है इसमें गरम मसाला थोड़ा सा और भुना हुए जीरे का पाउडर, वो ज़्यादा सा डालना है। उसी की खुशबू और स्वाद इस चाट को एकदम न्यू हाइट्स दे देंगी। और नींबू डाल देना अगर आपको थोड़ा सा और खट्टा खाना है। बस उसके बाद अपना हाईलाइट करना है हमको चाट को, वही हरी धनिया से बस सब कुछ मिक्स कर लेना है और आपकी चाट हो गई है खाने के लिए बिल्कुल तैयार। बस फिर हम चाट को सजाएंगे, उसमें थोड़ा सा हम लोग ऊपर से प्याज डालेंगे कटा हुआ, हरा मिर्चा भी डाल सकते हैं और वो जो हमने शुगर सिरप तैयार करी थी चाशनी उसको ज़रूर डालेंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे पास ये गोलगप्पा था तो मैंने वो फोड़ के डाल दिया, नहीं तो आप कुछ भी पापड़ी टाइप की चीज़ डाल सकते हैं क्रंच के लिए। हमारी चाट हो गई तैयार, इन्जॉय कीजिए इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोबारा मिलेंगे, बाय बाय।